हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF। सो इसका करेक्ट आंसर शैला रजा है। शैला रजा साहिबा फर्स्ट पाकिस्तानी वीमेन बन गई हैं, जो जिन्हें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की का प्रेजिडेंट जो है वो इलेक्ट किया गया है, और ये करंट और 27th नंबर की प्रेजिडेंट है, और इनकी अपॉइंटमेंट रिसेंटली 2024 में ही हुई है। सो शैला रजा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अप्रूव्ड पेका लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 टू रेगुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका करेक्ट आंसर सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पीका लॉ और जो है वो उसको जो है अप्रूव कर दिया है। पीका का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, और इसे पीका शॉर्टफट में कहा जाता है। ये 2016 का जो है वो एक बिल है, इसको जो है अभी अप्रूव कर दिया है 9 मई को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के, ये क्रिस्टोफर लक्सन है। क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं न्यूजीलैंड के, और क्रिस हिपकिंस को इन्होंने रिप्लेस किया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन स्पेशल मीटिंग ऑन ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी फॉर डेवलपमेंट 2024। इसका करेक्ट आंसर शहबाज शरीफ है। स्पेशल एक मीटिंग हुआ है ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी फॉर डेवलपमेंट 2024 में, इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने की, और ये रियाद में सऊदी अरब में इसको मुनक्किद किया गया है। विच कंट्री डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024। सो इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 में जुआ है, इसको जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट इंडिया ने नहीं किया है, क्योंकि इंडिया का कहना है कि वो पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 की प्रिपरेशन कर रहे थे, इसीलिए इंडिया वालों ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसमें 6 टोटल टीमों ने शिरकत किया, जिसमें न्यूजीलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया, कैनेडा, जापान और पाकिस्तान शामिल है। ये जो है हॉकी का एक टूर्नामेंट होता है, और इस मरतबा 2024 में 30वां एडिशन हुआ है मई में, और इसमें विनर जो है वो जापान रहा है, रनर अप जो है वो इसमें पाकिस्तान रहा है, विनर जापान, रनर्स अप जो है वो पाकिस्तान है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट पाकिस्तानी फिनटेक टू जॉइन हैंड्स विद द यूएईज डू पे फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। सो जेस केश इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द फर्स्ट लॉ टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो इसका करेक्ट आंसर ईयू है। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है उसने फर्स्ट लॉ अडॉप्ट कर लिया है, जिसको जिसमें ख्वातीन के खिलाफ जो वायलेंस हो रही है उसको टैकल किया जाएगा, और ये जो लॉ है ये मई 2024 में इसको अडॉप्ट किया गया है। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, 27 इसके मेंबर कंट्रीज है। हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया, रशिया के जो मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी कि वजीर दिफा जो है वो एंड्रे बेलोज हैं। ये मई 2024 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री पास्ड बिल फॉर प्रिजनर्स टू ज्वाइन आर्मी। इसका करेक्ट आंसर यूक्रेन है। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने रिसेंटली जो है एक बिल पास किया है, और जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रिजनर्स हैं उन्हें आर्मी यानी कि जो आर्म फोर्सेस है उसमें जो है इन्हें ज्वाइन करने के लिए, कैदियों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है इस बिल के मुताबिक। हु इज द करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान मेन्स टीम इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान मेन्स टीम के जो हेड कोच हैं वो जेसन गिलेस्पी हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कोच हैं, और ये पाकिस्तान के मौजूदा हेड कोच हैं पाकिस्तान मेंस टीम के। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है ये 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 का इसका थीम है एम्पावरिंग लाइव्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। करंट जो चाइनीज एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, ये जियांग ज़ेडोंग हैं, और यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ साथ करंट जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं चाइना में वो खलील हाशमी साहेब हैं। खलील हाशमी इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 पब्लिश्ड फ्रॉम यूके। यूके ने एक रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश किया है जिस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, और इसको चाइना ने टॉप किया है।
पांचवा ये एडिशन था इस रिपोर्ट का। टॉपर इसमें चाइना है, दूसरे नंबर पर इसमें यूएसए है। विद द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब के करंट गवर्नर सरदार सलीम हैदर हैं और 10 मई को इन्होंने हलफ लिया था और इन्होंने बलीगुर रहमान को रिप्लेस किया। पीपीपी से ये ताल्लुक रखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। विच कंट्री इज द विनर ऑफ सैफ अंडर 19 विमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2024। सैफ अंडर 19 जो विमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 हुआ है, इसमें विनर कौन सी कंट्री है? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बोथ ए एंड बी, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, testpoint.pk जरूर विजिट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम याद रखें, अल्लाह।